गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, बड़ा सुपारी पुना छोटों को हेलो। तो कैसे हैं आप लोग, होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। कल रात हमने एक न्यूज़ सुनी कि हमारे कॉलेज में एक बिल्डिंग बन रही थी तो वो गिर गई है। तो आज सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 5:20 हो रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं। रात को न्यूज़ आई थी 8-8 की, वो जो बन रहा था वो गिर गया है। तो उसमें तो कैजुअल्टी दो लोग की हुई है, दो लोग उसके नीचे दब गए हैं, पता नहीं वो जिंदा है कि मर गए, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। तो चलते हैं वीडियो को, वहीं से वीडियो में देखेंगे क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं अपने रास्ते की तरफ, और सुबह सुबह जो वाइब आ रही है उसकी बात ही तो अलग ही है। जो सुबह सुबह ठंडा ठंडा हवा चेहरे पर लग रही है, उसकी ताजगी ही कुछ अलग है। चलते हैं, खुर्शीद को भी मैंने फ़ोन करके बोल दिया कि भाई उठ जाओ, मैं हम लोग आ रहे हैं, चल के देखा जाए क्या क्या हुआ है। क्योंकि कल रात को 8-8 तो हमारे पास न्यूज़ ही आई थी, और कॉलेज से थोड़ा हम लोग दूर रहते हैं तो पता नहीं चल पाता है कि मतलब जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो इस समय सुबह हो रही है, अभी सूरज देवता भी उगे भी नहीं है, तो चल के देखते हैं क्या बात है। यहाँ सब कोई दादाजी लोग मॉर्निंग वॉक पे हैं, बढ़िया है यार। सुबह सुबह उठो, सुबह सुबह ताजगी का एहसास होगा। सब कोई अपना अपना एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, हम लोग सुबह सुबह अपनी धंधो रानी चला रहे हैं। और पुराने वीडियो में जो मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग है वो उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि वॉइस की दिक्कत है, तो भाई मैं बता दूँ, मैंने एक दूसरा केस ऑर्डर कर दिया जिसमें मैं माइक भी लगा सकता हूँ, तो वो शायद कल डिलीवरी हो जाएगा। आज जो वाला वीडियो रहेगा वो भी थोड़ा बहुत इसमें अनवांटेड वॉइस रहेंगी, मतलब बाहरी वॉइस ज़्यादा रहेगी। कोशिश करूँगा उसको मैं हटाने के लिए, लेकिन वो वॉइस थोड़ा ज़्यादा रहेंगी। और अभी कोई दुकानें नहीं खुली है, 5:30 हो रहा है, अभी तो सब कोई निकल रहा है बस टहलने के लिए। बस वो उठ के टहलना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, उठ के टहलना चाहिए। बस हलो अली नगर आ ही गए, अब चलते हैं खुर्शीद को पिक करते हैं, पिक करने के बाद चलते हैं कॉलेज के पास, देखते हैं कैसा क्या माहौल है, वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं बनाने देते हैं, चल के वहीं देखते हैं। और कुछ मेरे पास क्लिप्स भी आई थी जो वहाँ का, वो जब गिर गया था तो वहाँ पे लोग थे, वो फोटो वोटो खींचे हैं, कुछ वीडियोस भी खींचे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। मतलब ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई है, बस दो लोगों की कैजुअल्टी। कुछ भी कॉलेज हो आपका, वो सब किताबें यहीं मिल जाएंगी A to Z।
यहाँ से हम लोग को मुड़ना है, मुड़ते हैं। इतनी सुबह भी लग रहा साहब कोई जिंदा ही नहीं है इस गली में। खुशीर कह रहे कोई अभी उठा ही नहीं है भाई। आनंद भैया का भी कोपा भी नहीं खुला है, साफ सफाई चल रही है। अभी तो सब हट गया होगा ना। तो आए थे कॉलेज के पास, ये लोग जाने नहीं दे रहे, अंदर पुलिस वाले हैं। हाँ वो कुर्सी इधर हैं, अभी देखते हैं कुछ होगा तो अंदर जाके दिखाते हैं। उससे पहले आप लोग रात वाली जो क्लिप है, जो मेरे पास जो रात में क्लिप आई थी, जितनी भी क्लिप है वो मैं प्ले कर दे रहा हूँ, उसको देखिए। उसके बाद अभी टाइम मिलता है तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सेल्फी ले रहा हूँ। आराम से उठाइए ना, आराम से। हम बताएंगे ठीक है। लग फेल रहा हूँ, मर गया। हाँ भैया मर गया। अरे यार इसके ऊपर, हाँ ऊपर है सब लोग ऊपर। तो अभी हम लोग बैठे थे तो एक अंकल जी आए थे, अभी वो मतलब यहीं रहते हैं बगल में ही। तो उन्होंने बताया था कि कल रात जब ये गिरा था तो दो लोग उसके अंदर मतलब दिखे गए हैं, जिसका एक सिर्फ गला दिख रहा था, यहाँ तक का ऊपर का हेड और गला आधा कटा हुआ था, तो वो लटक रहा था। और बॉडी पता नहीं अंदर कहाँ दबी हुई थी। और जो एक लोग और थे जिनका सिर्फ बॉडी ऊपर दिख रहा था, उसको तो तुरंत देख के आदमी निकाल लिया, लेकिन जिसका गला कटा हुआ था तो उसको नहीं देख के अभी उसका बॉडी शायद मिल गई होगी, निकाल लिए होंगे, क्योंकि उस समय प्रशासन सबको बाहर निकाल दिया था। तो भाई बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है अपने कॉलेज में। बस प्रे करते हैं कि वो जो एक लोग बचे हैं वो सेफ हो जाएं, कोई परेशानी ना हो, और अंदर बस जाए अगर जाने का मौका मिलता है तो चल के दिखाते हैं, वरना बैठे हम लोग यहाँ पे अपने धन्नो लगा दिए हैं, हेलमेट ऊपर है। तो कॉलेज से निकल गए हैं, कॉलेज के अंदर पुलिस ही तो कोई वीडियो बनाने नहीं दे रहा है, तो गेट ही गेट बंद कर दिया गया है। तो गेट के पास ही खड़े होकर जितना वीडियो बन पाई है बन पाई है, और जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है मतलब वहाँ अगल बगल से वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब क्या कह सकते हैं यार, जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है, वो होके रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो अब हम जा रहे हैं, हम कुछ जा रहे हैं आपका जो रेलवे बस स्टेशन है वहाँ पे शंकर चाय वाले के पास चाय पीने। सुबह सुबह अभी तो अभी 6:30 बज रहा है, तो जा रहे हैं चाय पीने। ये हम लोग काली मंदिर के पास हैं, वहाँ से लेंगे हम लोग राइट। चाय पी रहे हैं, चाय पी के हम निकलेंगे। तो चाय पी लिए हम लोग, अब चाय पी के चलते हैं कॉलेज की तरफ। अगर वीडियो बनाने मिल जाएगा तो बना देंगे, वरना बाहर से ही आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलते हैं बस, यहाँ से हम लोग चाय पी के निकल गए हैं। ये आपका रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, चल रहे हैं आप कॉलेज के साइड। अगर अंदर जाने का मौका मिला तो ठीक है, अगर अंदर जाने का मौका नहीं मिला तो बाहर से जितने वीडियो बन पाएगी तो नहीं बना लेंगे, बस चलते हैं। ये आपका पूरा रेलवे स्टेशन है। गोरखपुर एक चीज के लिए और फेमस है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपका गोरखपुर का ही है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने का। तो यहाँ पे हम लोग आ गए आपका यातायात चौराहा, सोनौली के लिए सीधे जाए, गोलघर के लिए लेफ्ट, पूनम मंदिर के लिए सीधे। तो चलते हैं जल्दी जल्दी।
कॉलेज के पास, और कोई भी चालान वालान आपका सबमिट होता है वो इसी चौराहे पर होता है, इसी ऑफिस के अंदर सबमिट होता है। जो भी चालान कटता है पुलिस द्वारा, तो डिजिटल भी कट रहा है। अगर ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो ऑफलाइन यहीं भरेगा आपका, और अगर डिजिटल पे करना चाहते हैं तो डिजिटल उनके साइट पे ही पे हो जाएगा। तो तिवारी जी का हाथ है, यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट। जैसे दिल्ली में आपका करोल बाग है, जहाँ हर कुछ मिल जाता है, गाड़ी के रिलेटेड जितने भी कुछ रहते हैं सब मिल जाती है, जो भी वर्क हुआ, डेंट पेंट हुआ, कुछ भी हुआ, पार्ट्स हुआ मिल जाता है। वैसे गोरखपुर का ये समझ लीजिए करोल बाग है, ठीक है। यहाँ पर भी हर एक चीज़ मिल जाता है, जो आदमी चाहे जैसे चाहे, मतलब किसी गाड़ी का सर्विसिंग कराना हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो। इस जगह का नाम सुमेर सागर है, सुमेर सागर मतलब एज इक्वल टू करोल बाग कह सकते हैं। कुछ कॉलेज के आपको जा सकते हैं, अब आ गया राजकीय जूनियर इंटर कॉलेज। एक समय में ये भी काफ़ी अच्छा नाम था इसके लिए। जाने दे रहे हैं? नहीं जाने दे रहे हैं। गेटवा बंद किया है? गेटवा वही बंद, अभी बंद है। गेटवा तक जाने दे रहे हैं? वही जमा है। ये वाला बंद कर दिया क्या? बाहर वाला चलिए देख ले। चलो देख के आते हैं क्या हुआ क्या रहा है। उसे बता रहे गेट तो खुला नहीं है, तो देख के आते हैं खुलेगा तो ठीक, नहीं खुलेगा तो वापस घर चलेंगे। और गाड़ी मोड़ लो और फायदा नहीं जाएगा। जो अंदर पुलिस वाले लोग बैठे हैं आने के लिए मना कर रहे हैं, तो चलते हैं आप घर और के। नहीं जाने दे रहे साहब, नहीं जाने दे रहे। अब तो इधर आगे आगे आ गए सर, अब कहा कि जब कोई जाए भी नहीं क्या फायदा। हाँ आधा एक घंटे बाद बोलेंगे, आधा एक घंटे बाद खोलेंगे। तो इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, तो चलते हैं घर, कुर्सी को ड्रॉप करते हैं उसे घर पे और चलते हैं अपने घर पे। बस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको बस ड्रॉप करता हूँ उसके घर पर, जहाँ रूम लेके रहता हूँ वहाँ पर। उसके बाद चलते हैं घर पर, उसको ड्रॉप कर दिया मैंने, ड्रॉप करके जा रहा हूँ घर पे। और ये जो हादसा हुआ अपने कॉलेज के साथ, ये काफ़ी बेकार था। और भाई जो भी लोग फंसे हो या मरे हो या कुछ भी हुआ हो, अभी न्यूज़ अभी कोई क्लियर न्यूज़ नहीं आई है, तो ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता हमको। और उसके बाद जो दूसरे लोग थे उसको देख कर निकाला गया था, जो शरीर उसके मतलब अंदर बाहर हो गया था शरीर से, निकाल कर तो मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। और बाकी जितनी कैजुअल्टी होगी अभी तो क्लियर नहीं हुई है, वो आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो भी वीडियो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, वो सब लोगों ने बना के डाला था। मुझे मैं घर पे ही था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। 8:30 बजे मुझे पास खबर आई कि ये बात हुआ है, और सुनने में काफ़ी दुख जाया था यार। जो ये जब स्टार्टिंग हुआ बनना सब लोग हम लोग आँख के सामने हुआ था स्टार्टिंग का, और ये हादसा हो गया। जान जैसा था कब जिंदगी है कब क्या हो जाए। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और ये वीडियो बनाने वाला किसी का मुझे ये पर्सनली मकसद नहीं था, किसी के
फीलिंग को हर्ट करना या अपने कॉलेज को बुरा कहना या भला कहना, मुझे बस वीडियो बनाना था तो मैंने बना के आप लोगों को दिखा दिया। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या बुरा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय, और अपना सब कुछ अपना ख्याल रखना भाई।